चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। डाकुओं का टोला इकट्ठे होकर खुलेआम अरकान को खरीद रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की हॉर्स ट्रेडिंग, लूट मार और करप्शन के खिलाफ 27 मार्च को कौम से साथ निकलने की अपील कर दी। सीनियर सियासतदान चौधरी निसार की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। रुकन पार्लियामेंट का वोट इनफरादी हक है, सियासी जमात का नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। मुस्लिम लीग नून ने कहा आर्टिकल 63A वाज़े है, सदारती रेफरेंस कबल अज़ वक्त और गैर ज़रूरी मश्क है। शेख रशीद ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया। वफाक वज़ीर दाखला शेख रशीद का कहना है कि मैं सिंध में गवर्नर राज और वफाक में एमरजेंसी का हामी था, मेरा मशवरा इमरान खान ने रद्द कर दिया। इस इख्तलाफ का मुल्क मुफाद से कोई लेना देना नहीं है। वज़ीर ख़ारजा और OIC सेक्रेटरी जनरल की कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट। वजीर आजम ने कहा चोरी के पैसों से अवामी नुमाइंदों को खरीदा जा रहा है। जमहूरियत कौम और अवाम के खिलाफ जुर्म हो रहा है। कौम इस जुर्म के खिलाफ मेरे साथ निकले। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम का कहना था कि हॉर्स ट्रेडिंग से जमहूरियत और कौम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अल्लाह का हुक्म है लोग अच्छाई के साथ और बुराई के खिलाफ खड़े हों। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़े किया था कि किसी भी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। वोटिंग से एक दिन पहले ओपोजिशन के लिए सरप्राइज़ है। इमरान खान ने कहा था तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में हालिया दिनों बेपनाह इजाफा देखने को आया। 27 मार्च को आवाम का समंदर इस्लामाबाद में होगा। इतना बड़ा जलसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़े जलसे मैंने किए हैं। मीनार पाकिस्तान को उभरने का क्रेडिट भी मुझे जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के ख़िलाफ़ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़ कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सीनियर सियासतदान चौधरी निसार अली खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं की। वो बनीगाला वज़ीर आज़म से मिलने गए, ना कोई ऐसा प्रोग्राम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी निसार गुज़िश्ता 3 दिनों से अपने आबाई इलाके चक्री में हल्के के आवाम के साथ मौजूद हैं। उनका वज़ीर आज़म से मिलने का ना कोई प्रोग्राम बना है और ना इरादा रखते हैं।
मुस्लिम लीग नून JUI और सुप्रीम कोर्ट बार ने सदाती रेफरेंस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा हर रुकने कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद की तहरीक में रुकने पार्लियामेंट के वोट के हक को इनफरादी करार देते हुए कहा कि आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकने कौमी असम्बली का इनफरादी हक है और किसी सियासी जमात का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने जवाब में कहा कि किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। JUI ने जवाब में कहा कि PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जमात सिलेक्टेड अहदेदार चला रहे हैं। स्पीकर को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आर्टिकल 63A और 95 वाजे है, हर रुकन को वोट डालने का हक है जो गिनती में शुमार भी होगा। सदारती रेफरेंस कबल अस वक्त और गैर जरूरी मशक है। PTI ने जवाब में कहा कि वोट पार्टी की अमानत है और तहरीक अदम एतमाद पर वोट की इनफरादी हैसियत नहीं होती। तहरीक इंसाफ ने ताहयात नाअहली पर कोई राय नहीं देते हुए कहा कि ताहयात नाअहली पर अदालत जो भी राय दे उस पर मुतमईन होंगे। वज़ीर दाखला ने कहा है कि तमाम मामला ठीक तरीके से पाया तकमील को पहुँचेंगे। इमरान खान 27 मार्च की शाम पाकिस्तान की तारीख का अजीम तरीन जलसा परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। शेख रशीद ने कहा कि पाक फौज अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर फौरी कार्रवाई होगी। DG FIA को कहा कि जो सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ जहर उगले उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अजीम फौज अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल मेरे दौर में नहीं हो सकता। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की अजीम एजेंसियों और अफवाज की पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है। आर्मी चीफ और दीगर लोग भी कहते हैं कि फेक न्यूज़ का कोई हल करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन के पास हमारे बंदे हैं तो उनके लोग भी हमारे पास हैं। हमारे पास अपोजिशन के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, ना तो वो वापस जाएंगे और ना ही वोट डालेंगे। शेख रशीद ने मुनहरिफ और वफादारियां बदलने वाले अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि पार्टियां बदलने से कोई इज्जत नहीं मिलती। अच्छी बात है कि सोच समझ कर फैसला करें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के बाखबर लोगों में से बाखबर आदमी हूँ, कोई कहीं नहीं जा रहा। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उस्मान बुज़दार जा रहा है। गुज़दार भी चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा है, वो भी कहीं नहीं जा रहा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि मरकज में बड़ी लड़ाई हो रही है जबकि नून लीग के घर के अंदर पसोड़ी पड़ी हुई है। उनके अपने घर में जंग जारी है। कहाँ गया उनका वोट को इज्जत दो का नारा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहाँ गए वो लोग जो लंदन से बैठकर फौज को गालियाँ देते थे। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि आज के बाद से आप अच्छी खबरें सुनेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी बेहतरी हो कि मुल्क आगे बढ़े। जब जमहूरियत आगे बढ़ेगी तो मसाइल भी मिलजुल कर हल कर लेंगे। शेख रशीद का दावा था कि खान साहब की जहांगीर तरीन से बात हुई है। जहांगीर तरीन एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। कहां गया इनका कि वोट को इज्जत दो, डूब मरो चिल्लू भर पानी लेकर, चिल्लू भर पानी में डूब मरो, वोट को इज्जत दो। इनका वोट को इज्जत देने का नारा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सियासी तौर पर दफन हो गया। OIC इजलास से मुतालिक बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बेहतरीन OIC कॉन्फ्रेंस हुई और OIC कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान की तारीफ की। OIC कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम ने हालिया मामलात पर बात की। इस हवाले से मजीद जानते हैं। OIC इजलास से मुतालिक बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बेहतरीन OIC कॉन्फ्रेंस हुई और OIC कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान की तारीफ की। OIC कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम ने हालिया मामलात पर बात की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम ने रूस, यूक्रेन, कश्मीर, फलस्तीन और इस्लामोफोबिया से मुतालिक बात की और पूरी उम्मा में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन तनाजे में पाकिस्तान का किरदार गैर जानबदाराना है, जबकि चीनी वजीर खारजा ने दौरे की दावत दी है। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC के अख्तितामी इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल OIC हसैन इब्राहिम ताहा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 48वें इजलास में वजारती सतह पर 46 और 800 के करीब वफूद ने शिरकत की, जिस पर हम सेक्रेटरी जनरल OIC और OIC सेक्रेटेरिएट के शुक्रगुजार हैं। वजूहात बताने का कि पाकिस्तान ने ये जो एक गैर जानबदाराना फैसला किया है,
उसकी वजूहात क्या हैं और हम अमन के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम ताहा का कहना था कि मैं कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इंतजामिया और पाकिस्तान के आवाम को सराहता हूं। ये कॉन्फ्रेंस योम पाकिस्तान के मौके पर मुनक्किद हुई, जिस पर मुबारकबाद पेश करता हूं। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में अमन और सलामती और इस्लामोफोबिया के मामलों को शामिल किया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुखलिफ किया गया, लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।